अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपोगंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर वन। दूसरा, एक झूठा प्रोपोगंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है, कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि आर्मी रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा, इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने दे रहा हूं। 1995 एक्ट में वक्फ बाय यूजर है, यानी कोई चीज के इस्तेमाल करने की वजह से वो प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है। जैसा नमाज हो रही है एक जगह पर, यतीम खाना है, कब्रस्तान है। अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है। वैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, कई एंडोमेंट बोर्ड्स में देखेंगे, वहां पर बाय यूसेज वो प्लेस रिलीजियस हो जाती है। लॉ में है हिंदू धर्म के एंडोमेंट में। अब आप मेरे को बताइए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है सुन्नी वक्फ बोर्ड में, उसमें से 1,12,000 तो वक्फ बाय यूजर है। जब वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा उसके ऊपर? एक ये हो गया, ये इनका ये वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब नहीं, खींचने का मतलब है। दूसरा उसमें क्या है कि कोई 5 साल जो मुसलमान रहेगा, उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो, तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट के कब्जे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब आप मेरे को बताइए, कलेक्टर खुद गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव का। क्या कलेक्टर अपने मामले में जज बन सकता है क्या? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई, आप में मेरा झगड़ा होगा तो आप जज कैसे बनेंगे? तो कलेक्टर को इख्तियार दे रहे हैं कि कलेक्टर तय करेगा। अच्छा, फिर सर्वे कमिश्नर होता है जो सर्वे करता है प्रॉपर्टीज को,
ये बोल दिया कि नहीं सर्वे कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा। सर्वे कमिश्नर एक अलग होता है डिपार्टमेंट, उसको खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई आप उसको? फिर आप ये कह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में वहां पर सिर्फ एक नॉन मुस्लिम मेंबर होता है, मिनिस्टर होता है, बाकी के पूरे जितने कैटेगरीज है उसमें मुसलमान होता है। आप उसको खत्म करके मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? आप उसमें से कम 8 या 9 नॉन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए एमपी कैटेगरी का और बार काउंसिल का, आप नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं? अगर आप वक्फ बोर्ड का एक्ट देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में आपकी प्रॉपर्टी वक्फ है, मैं उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल के लिए ले सकता हूं। जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूंगा उसमें तो मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ले लूंगा, इनकी नीयत खराब है उसमें। फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता हिंदू वक्फ? हिंदू वक्फ कर सकता है, वो मुतवल्ली भी बन सकता है, मगर आप हिंदू वक्फ नहीं कर सकता, उसको खत्म कर रहे हैं और हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे हैं आप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेके देयर शैल बी का मतलब मैंडेटरी अंग्रेजी में, 2 मेंबर रहेंगे मिनिमम। फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहे हैं, वो पढ़ते नहीं है, ऑलरेडी महिला का प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? अब ये बोल रहे हैं कि 2 बनाएंगे, अभी जो प्रोविजन है एटलीस्ट 2, यानी 2 से बढ़ सकते हैं, आप 2 कर दिए खाली उसको। वक्फ का एक ट्रिब्यूनल है, अब ट्रिब्यूनल में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये इसका डिसीजन फाइनल होता है। भाई एनजीटी ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे 14 ट्राइब्यूनल है जिनका डिसीजन फाइनल होता है, अपील नहीं कर सकते। भाई ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में रिव्यू पटिशन डाला जाता है, अपील करने से तो लाखों केस कोर्ट में है, और रिव्यू पटिशन में हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड मंगा सकता है, तो ये वक्फ के फेवर में नहीं है। फिर इसमें आपने एक कानून लेकर आए, अभी कानून क्या है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचता है उसको 2 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। अभी मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि तू वक्फ बोर्ड की जायदाद को बेच दे, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? कि तेरे को 2 साल नहीं, सिंपल इंप्रिजनमेंट, तेरे को बेलेबल हो जाएगा। तो वक्फ के मफाद में क्या हो रहा है? ट्राइब्यूनल है वक्फ का ट्राइब्यूनल, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज सीजे अपॉइंट करते हैं हाईकोर्ट के, एक इस्लामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट पर्सन। अब आप क्या करते हैं? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसे होगा? फिर अगर आपकी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं जाके कंप्लेन करता हूं कि यह वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर विल ऑर्डर एन इंक्वायरी। अच्छा, पेंडिंग इंक्वायरी योर प्रॉपर्टी विल नॉट बी वक्फ, की एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी, एंड द करेक्ट कलेक्टर विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट। इसका क्या मतलब? यानी आपके प्रॉपर्टी को मैं कंप्लेन कर दिया कि वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब 10 साल ले लेंगे, तब भी वक्फ नहीं रहेगा, वो अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, भाई आप उत्तर प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में जो काशी बोर्ड है वहां पर तो क्लियर लिखा हुआ है कि ही हैज टू बी हिंदू, अगर वो हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबरशिप चले जाएगी। फिर आप देख लीजिए जाकर, आप ये जो आपका तमिलनाडु का एक्ट है, तेलंगाना का एंडोमेंट एक्ट है, आंध्रा का है, ओडिशा का है, इसमें सब लिखा गया कि ओनली हिंदू विल बिकम द मेंबर। अच्छा, हिंदू की परिभाषा क्या है संविधान में? हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू बनेगा मेंबर। अब मिसाल के तौर पर मुंबई में ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर? सिद्धि विनायक है। गुजरात में सोमनाथ की मंदिर, वो भी ट्रस्ट में आता, वहां पर आप किसको बनाते मेंबर? आप एक बात समझिए, तिरुपति के प्रसाद में, घी में एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो।
मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया, तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है, मगर यहां पर हमारी आस्था हमारे धर्म में, ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नियम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, ये कैसे होगा बताइए आप। अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है, एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए, ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप। तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। एक के बाद मैं कहने जा रहा हूं, भाग